अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज मैं होम रूटीन में बना रही हूँ आलू पालक की रेसिपी। ये देखें, मैंने घी डाला 2 चम्मच और उसमें प्याज डाल दिया 1 दरमियाने साइज़ का। अब इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह, पहले प्याज को भून लूँगी फिर उसमें बाकी चीज़ें शामिल करती हूँ। ये देखिए प्याज मेरा भुन गया, हल्का सा ब्राउन हो गया। इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, और हल्का सा पानी का छींटा लगाया ताकि ये जले ना। और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, गरम मसाला इसमें शामिल किया है तो। अब इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया, साथ ही मैं इसके टमाटर शामिल कर दूंगी। ये 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और जो मैं इसमें शामिल कर दिए, ये अच्छी तरह भुन जाए फिर इसमें सारी चीज़ें शामिल करती हूँ। ये देखें अच्छी तरह भुन गया। ये इसमें मैंने 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्च का डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी का शामिल किया है, और पीसी ही मिर्च जो है वो मैंने 2.5 चम्मच डाला है, और 2 चम्मच मैंने नमक के शामिल कर दिए। अब इसको भून लूँगी नमक मिर्च मसाले को। ये देखें खुशबू आ रही है इसकी बहुत ही अच्छी। मैंने 1 गुट्टी ली थी, ये मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए ताकि आलूओं को भून लूँ। मैंने 1 गुट्टी ली थी पालक की, जो मैंने धो के काट के धो के उसको रखा हुआ है। पहले मैंने इसको भून लिया आलूओं को अच्छी तरह ताकि ये खड़े खड़े रहें। ये मैं अब पालक इसमें शामिल करने लगी हूँ। आलू आजकल कुछ कम गल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको कुकर लगाऊंगी क्योंकि आलू जल्दी गल जाए। ये देखें पालक मैंने इसमें शामिल कर दी है, अब इसको मैंने ऊपर से ढांप दिया था। ये देखें पालक कुछ नीचे बैठ गई है, अब इसको हिला के फिर ढांप, ये मैंने अब कुकर लगा दिया, 1-2 मिनट के लिए कुकर लगाऊंगी तो ताकि आलू गल जाएं अच्छी तरह। ये देखिए अब मैं इसको खोलने लगी कुकर को। ये देखें आलू की खुशबू और साथ ही पालक की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। देखें पानी भी कुछ कम हो गया, पालक ने खुद पानी छोड़ा था, हमने इसमें पानी नहीं शामिल किया था। और ये मैंने अब पीसा हुआ धनिया शामिल कर दिया। पालक की खुद इतनी खुशबू है, सारे घर में फैली हुई है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है पालक की। और साथ ही मैं पीसा हुआ मसाला डाल के इसको 10 मिनट के लिए दम दे दूंगी। ये मैं 10 मिनट के लिए दम दे दूंगी। ये देखें इसका टाइम पूरा हो गया 10 मिनट का, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही जायकेदार इस पालक बनी है। ये देखिए ऐसे मज़ेदार खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है कि जल्दी से खाना खाया जाए। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सालन बनाए, और ये बच्चों को ज़रूर पालक दिया करें, ये बच्चों के लिए बहुत ताकतवर होती है। आप हमारे होम रूटीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।